एक नाम सुना होगा, भस्मासुर। भस्मासुर नाम सबने सुना होगा। एक करेक्टर है, ओम नमः शिवाय एक सीरियल आता था, उसमें देखते हैं शिव पार्वती का कोई किस्सा आता है, तब उसमें एक आता है करेक्टर आता है भस्मासुर। भस्मासुर कौन था? जो भस्मासुर ऐसा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी वो किसी को भी भस्म कर सकता था। लेकिन आप उस भस्मासुर के बारे में जानते हैं, लेकिन आज वो भस्मासुर एक नहीं है, वो मिलियनों भस्मासुर में बदल चुका है। आप सोचेंगे जोधप्रिय जी ये क्या कह रहे हो, मिलियनों भस्मासुर तो आज तक भस्म क्यों नहीं हुआ? अरे भाई लगभग तो भस्म हो चुके हैं। वो भस्मासुर हमारा मन बन जाता है, वो ही भस्मासुर की तरह हमें भस्म कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप देखिए आपके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, इतने टैलेंट आपके अंदर छुपे हुए हैं, संभावनाएं छुपे हुए हैं, उनको भस्म किसने किया, किस भस्मासुर ने भस्म किया? वो भस्मासुर हमारे अंदर ही है। हमारा डर, हमारी चिंता, हमारा फियर, हमारा रिस्क ना लेने से रिलेटेड जो डर है, इस प्रकार के जो सिम्टम हैं वो उसी भस्मासुर के हैं जो भस्म कर रहा है। और मानसिक रोग उसी भस्मासुर का ही एक रूप है कि भस्मासुर हमें भस्म कर रहा है। तो अपने इस भस्मासुर को पहचान लीजिए। अगर आप भस्मासुर को भस्म करना चाहते हैं तो इस भस्मासुर को पहचानना होगा, वरना ये भस्मासुर भस्म करता रहेगा। बस भस्म ही तो कर चुका है, बस राख मनी बाकी रही है। और बहुत सारे लोग घूमते तो हैं लेकिन जान नहीं होती, बस भस्म तो हो चुके हैं, राख बनी बाकी होती है। तो राख बनने से पहले उस भस्मासुर को पहचान लीजिए, शायद जीवन में कुछ उजियारा हो जाए, क्रांति हो जाए, चमत्कार हो जाए। चमत्कार होते हैं भस्मासुर को भस्म करने के बाद। तो समय रहते भस्मासुर आपको भस्म करे, उससे पहले भस्मासुर को ही भस्म कर दें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं, बात करते हैं समाधान, निश्चित मानिए। आप इन वीडियोज़ के लिए समय निकालते हैं, इसके लिए साइको गुरु आपका हमेशा आभारी है।